आप सभी का गाइज स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गाइज आप यहां पे रैंक वन कैसे आएंगे। जी हां गाइज, आप यहां पे रैंक वन कैसे आएंगे, यानी गाइज हैशटैग वन कैसे आएंगे, जिससे कि आपको फर्स्ट प्राइज कैसे मिलेगा। आप गाइज यहां पे जीएल में आप यहां पे टीम बनाते हैं, लेकिन आप एक अच्छा सा यहाँ पे रैंक नहीं आ पाते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप गाइज यहाँ पे चार गलती आपको नहीं करना है और गाइज आपको करना है, और साथ ही गाइज आपको यहाँ पे चार बातों को ध्यान में रखना है। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि बातों को आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको चार गलती नहीं करना है और चार बातों को गाइज आपको ध्यान में रखना है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर गाइज यहाँ पे 49 रुपये वाला एक अगर यहाँ पे आप टीम बनाते हैं, तो गाइज आप अगर मैं बता दूं कि अगर आप एक रैंक में नहीं भी आ पाते हैं, तो फिर भी गाइज आप यहाँ से एक अच्छा पैसा आप गाइज यहाँ पे विन करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ पे विन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में गाइज मैं बताऊंगा कि चार टॉपिक के बारे में गाइज मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा और गाइज यहाँ पे चौथा। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं यहाँ पे चार टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि आपको चार टॉपिक पे टीम बनाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका एक बेहतरीन और आप लोग का एक खतरनाक टीम बनेगा, जिससे कि आप गाइज अगर मैं बता दूं कि अगर गाइज आप रैंक वन में नहीं भी आ पाते हैं, फिर भी गाइज आप एक अच्छा पैसा विन करने वाले हैं इस आईपीएल के टाइम पे। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 1 करोड़ या 2 करोड़ जीतने के चक्कर में यहाँ पे लॉस करवा चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में उसका लॉस भी रिकवर करने के तरीके बताऊंगा, जिससे कि वो अपना लॉस भी रिकवर यहाँ पे बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को गाइज बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहला जो कि हमारा टॉपिक है कि आपको यहाँ पे किन बातों में ध्यान में रखना है, तो पहला टॉपिक है गाइज यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट, जो कि गाइज हमारा जो कि पहला टॉपिक है वो है गाइज यहाँ पे पिच रिपोर्ट। मैं आपको पिच रिपोर्ट में बता दूं कि पिच रिपोर्ट में आपको ध्यान नहीं देना है कि जब भी गाइज यहाँ पे मैं बता दूं कि मैच शुरू होने से पहले 7 बजे गाइज यहाँ पे टॉस होता है। और एक चीज़ आप गाइज यहाँ पे अगर आप भी मैच देखते होंगे, जब भी यहाँ पे ए और बी के बीच में टॉस होता है, अगर यहाँ पे ए ने टॉस जीत लिया तो लगभग चांस होता है कि ए ही इस मैच को जीतेगा, 90% चांस होता है ए का जीतना, जल्दी यहाँ पे आसान हो जाता है। और आपको पिच रिपोर्ट से आपको ये भी देखना है कि यह जो पिच है वो यहाँ पे गाइज बॉलिंग फ्रेंडली है या गाइज यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर वो गाइज यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको बॉलर को ज़्यादा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देना है, अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो आपको बैट्समैन को ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस देना है। लेकिन गाइज आपको यहाँ पे पिच रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। अब जो गाइज हमारे लिस्ट के जो कि यहाँ पे दूसरा जो कि यहाँ पे हमारा तरीका है वो है गाइज यहाँ पे आपका प्लेयर परफॉर्मेंस। जी हाँ गाइज, यहाँ पे वो है प्लेयर परफॉर्मेंस, क्योंकि यह गाइज यहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंस। जी हाँ, आपको गाइज आप प्लेयर परफॉर्मेंस में क्या देखना है अब इस वीडियो में गाइज मैं बात करता हूँ। जो कि यहाँ पे गाइज यहाँ पे पिछले मैच में रिंकू सिंह, जी हाँ गाइज यहाँ पे रिंकू सिंह जो कि यहाँ पे लास्ट में गाइज यहाँ पे 5 छक्के मारे थे, जी हाँ गाइज उन्होंने यहाँ पे 5 छक्के मारे थे, जो कि मैच वो तो यहाँ पे हाथ से निकल चुका था, लेकिन यहाँ पे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारकर गाइज उस मैच को यहाँ पे विन करवा दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि गाइज आपको क्या करना है कि आपका जो भी आज का जो कि मैच है उस मैच के जो कि यहाँ पे प्लेयर के बारे में आपको उसका परफॉर्मेंस देख लेना है कि कौन से बॉलर का यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बॉलिंग है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे विकेट ले रहे हैं, कौन सा बैट्समैन का जो कि परफॉर्मेंस अच्छा, जो कि ज़्यादा रन बना रहे हैं। तो टीम बनाने से पहले आपको गाइज यहाँ पे आपको प्लेयर का परफॉर्मेंस चेक कर लेना है, उसके बाद ही गाइज आप यहाँ पे टीम बनाएंगे। अब जो कि हमारा गाइज यहाँ पे अगला जो कि हमारा यहाँ पे जो कि यहाँ पे टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पे गाइज यहाँ पे सेलेक्ट प्लेयर परसेंटेज।
गैज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप गलती करते होंगे कि जब भी टीम बनाने जाते होंगे, जिसका यहाँ पे गाइज 70% है, जिसका 80% है और जिसका 90% है, आप गाइज क्या करते होंगे कि आँख कान मून के उसे गाइज आप यहाँ पे चुन लेते होंगे, उसे आप अपने टीम में यहाँ पे आप ले लेते होंगे। लेकिन आप फिर सोचते होंगे कि मैंने तो गाइज एकदम खतरनाक वाला टीम बनाया है, मुझसे अच्छा तो कोई टीम ही नहीं क्रिएट किया है। तो ये सबसे गलती है। आपको क्या करना है कि आपको 2 से 3 प्लेयर को कम से कम आपको यहाँ पे जो कि 30% जिसका हो, जिसका 35% हो, जिसका यहाँ पे 40%। जब भी मैंने अभी बात किया था मैंने यहाँ पे रिंकू सिंह की, तो आप लोगों को ही पता होगा कि जब टीम बनाते होंगे तो उस समय आपको रिंकू सिंह के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे मैच हुआ तो यहाँ पे रिंकू सिंह के बारे में सभी जानने लगे और आप भी सोचने लगे कि रिंकू सिंह को अगर मैं कास्ट लेता तो मेरा भी जो कि है टीम एक अच्छा टीम बन जाता। इसलिए आपको गाइज करना क्या है कि 2 टीम या आपको यहाँ पे 3 टीम आपको यहाँ पे 30% या 35% या 40% वालों को आपको चूज करना है, जिससे कि आपका एक अच्छा सा टीम बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो कि यहाँ पे गाइज यहाँ पे हमारा जो कि आखिरी टॉपिक है वो है गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ टीम। जी हाँ, आप तो गाइज यहाँ पे जीएल में विन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल है कि मैं 1 टीम बनाऊं या मैं 11 टीम बनाऊं या मैं 12 टीम बनाऊं या मैं 14 टीम में यहाँ पे टीम बनाऊं। अगर आपको यहाँ पे आपको मन में डाउट है नंबर ऑफ टीम के लिए, तो आपको एक और चीज़ का डाउट होगा, वो होगा गाइज आपको यहाँ पे सिर्फ गाइज आपको यहाँ पे जीएल में ही आपको नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ पे गाइज स्मॉल लीग में भी आपको गाइज यहाँ पे टीम बनाने हैं। जी गाइज आपको यहाँ पे स्मॉल लीग में, आप बोलेंगे भाई मैं स्मॉल लीग क्यों खेलूंगा, मैं तो गाइज यहाँ पे मैं फर्स्ट प्राइज के चक्कर में हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ इसी के बारे में। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे जीएल में गाइज आपको 5 से कम से कम 8 टीम आपको क्रिएट करना है और आपको गाइज यहाँ पे आपको स्मॉल लीग में 3 से 5 टीम आपको क्रिएट करना है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब इस वीडियो में गाइज मैं बात करता हूँ। मैं बता दूं कि अगर गाइज आपका जो कि यहाँ पे जीएल रैंक 1 में अगर गाइज आप में नहीं आ पाया, जिससे कि आपका पैसा लॉस हो गया, अगर गाइज आपका एक अच्छा टीम रहेगा तो आप गाइज यहाँ पे स्मॉल लीग में विन जरूर करने वाले होंगे। तो जिससे कि आपका क्या होगा कि आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। जिससे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको जीएल तो रैंक 1 लाना है, लेकिन अपना रिकवर भी करवाना है, रिकवर भी आपको करवाना है साथ ही साथ, नहीं तो आप गाइज यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ के चक्कर में अपना लॉस करवा बैठेंगे। तो टीम बनाने से पहले आपको अपना लॉस रिकवर के बारे में भी आपको सोचना है, जिसमें कि आपको मैंने बताया है नंबर ऑफ टीम, यानी आप लोग यहाँ पे कितना टीम बनाने वाले हैं। तो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको, अगर आप लोग को रैंक 1 आना है, अगर आप लोग को गाइज 1 करोड़ 2 करोड़ विन करना है इस IPL में, तो इस 4 टॉपिक को गाइज आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो एक आपका अच्छा टीम बनेगा, साथ ही आप अपना लॉस को भी रिकवर कर पाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।